आज हम लोग फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देख लें कि फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 3 जो रांची यूनिवर्सिटी के रिलेटेड में आता है तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। कोर्स जो सब्जेक्ट है, देर आर 3 पार्ट्स इन द कोर्स। नंबर 1 C5 विच इज कंटेन्स मैथमेटिकल फिजिक्स। नंबर 2 C6 दैट इज कोर सब्जेक्ट C6 इज थर्मल फिजिक्स एंड C7 डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ये हम लोग को तीन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मैथमेटिकल फिजिक्स 2। अब मैथमेटिकल फिजिक्स 2 में हमारा क्या क्या टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग पहले देख लें, कोर्स ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स 2 में फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूरियर सीरीज। नंबर 1 इज फूरियर सीरीज। नंबर 2 इज फ्रोबेनियस मेथड एंड स्पेशल फंक्शन। नंबर 3 इज सम स्पेशल इंटीग्रल। सम स्पेशल इंटीग्रल में हमें गामा एंड बीटा फंक्शंस पढ़ना है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। नंबर 4 थ्योरी ऑफ एरर्स। थ्योरी ऑफ एरर्स में रैंडम एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, नॉर्मल लॉ ऑफ एरर्स एंड स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी एरर्स, यहां पे हम लोग को देखना है, रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 5 इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में लैप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके फॉर्म्स और उसके एप्लीकेशंस हम लोग को यहां पे देखना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी चैप्टर्स या सिलेबस के गो थ्रू जाने से पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग उस कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में जरूर फेमिलियर हो लें कि हम लोग को उसमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फूरियर सीरीज से। सबसे पहले हम लोग देख लें व्हाट इज द मेन कंटेंट्स इन द फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज कंटेंट्स ऑफ स्टार्ट्स विद पीरियोडिक फंक्शन, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइनी एंड कोसाइनी फंक्शंस, एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस इन द सीरीज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी फंक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट्स, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूरियर सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन विद आर्बिट्री पीरियड, पीरियड हमारा अगर चेंज हो आर्बिट्री पीरियड में उसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शंस ओवर एन इंटरवल, इवन एंड ऑड फंक्शंस एंड देयर फूरियर एक्सपेंशन, एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ, मतलब फूरियर सीरीज के एप्लीकेशन एनालिसिस हमको दो वेव में करना है, दैट इज सॉटूथ वेव एंड स्क्वायर वेव, समिंग ऑफ इनफिनाइट सीरीज, ये एक अलग टॉपिक है लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, समिंग ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एंड टर्म बाय टर्म डिटरमिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज का टर्म एंड टर्म डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करेंगे और उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा फूरियर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फूरियर सीरीज विथ सम बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस जो हम लोग क्लास 11th में मैथ्स में देख चुके हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे में डिटेल्स में देखेंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे पीरियोडिक फंक्शन से। जैसा हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन, ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, जिस सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका वैल्यू रिपीट करता है, उस रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं उसका पीरियोडिसिटी। जैसे एग्जाम्पल लें कि कॉस थीटा है, कॉस 2π प्लस थीटा, दैट इज कॉस 360 प्लस थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉस 360 प्लस थीटा अगर क्वाड्रेंट में हम लोग देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और इस केस में अगर हम देखें तो
इसका वैल्यू होता है cos थीटा। सो आफ्टर रिपीट करने के बाद 2 पाई एंगल्स इंक्रीज करने के बाद भी cos का वैल्यू सेम टू सेम उसी वैल्यू पे रिपीट कर गया। सो इसको हम लोग कहेंगे इसका पीरियड और दिस फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है, एक एक करके हम लोग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, सिंपल से हम लोग उसको एक एक करके डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। सो एज द डेफिनेशन सेज दैट इफ द वैल्यू ऑफ द ईच ऑर्डिनेट एफ ऑफ टी रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल इन द एप्सिकल देन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। अब सबसे पहले इसमें देख ले व्हाट इज ऑर्डिनेट एंड व्हाट इज एप्सिकल। सो इफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड जनरली अ फंक्शन इज रिटन एज एफ इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। सो दिस वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड एप्सिकल, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एप्सिकल। सो if y is equal to ft, so each ordinate that is y of ft repeats itself at equal interval in the apsika, apsika ke har x axis ke ya t ke value ke represent mein iska value agar increase kare then that function or that ft is called periodic function. Isko f of x bhi bol sakte hain, f of t bhi bol sakte hain, jis period mein isko rahe. So what is the property of periodic function? The property of periodic function is f of t is equal to f of t plus capital T is equal to f of t plus 2t. That means the value t, here the value of capital T is 0, here the value of capital T is t, here the value of capital T is 2t. That is the after interval of t, the value repeats itself and its value is same as initial value. So that is called periodic function and its period is defined as capital T, where it is called period of the function f of t. For example, sin x, cos x, sec x and cosec x, these are the periodic functions having period 2 pi and tan x and cot x is the periodic function of period pi. Define kar lete hain kaise karenge. So as we know that sin 2 pi plus x is equal to sin x, cos 2 pi plus x is equal to cos x, sec or cosec ke case mein bhi same cheez hota hai. Similarly, tan pi plus x is equal to tan x and cot pi plus x is equal to cot x. So this is the definition of periodic function. So using periodic function, Fourier described that any periodic function can be expanded in the series of simple harmonic terms. और इसी को यूज करते हुए Fourier's series को डिस्क्राइब किया गया एंड देन Fourier's theorem और Fourier coefficient इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे व्हाट इज Fourier's series, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Fourier's series एंड how it is related to a periodic function. So Fourier series को define करने से पहले हमारा periodic functions clear होना चाहिए. What is periodic function? तो यहाँ से हमारा periodic functions clear हो गया. That is the periodic functions is the function which repeats its value after some interval of time. That interval is called its period. So next we are start with Fourier definition of Fourier series. First we will see what is the definition of Fourier theorem. So it states that any single valued continuous periodic function can be expressed as summation of simple harmonic terms having frequency which are in the multiple of frequency of given function. सुनने में काफी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म से हम जब इसको डिफाइन करेंगे या फिर इसको समझाएंगे तो वो बहुत ही क्लियर है। सो लेट एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है एक्स of time period capital T and cyclic frequency omega, where omega is equal to, हम लोग जानते हैं 2 pi by T होता है. This is the relation between the cyclic frequency and the time period. So cyclic frequency omega and then according to the theorem, पहले इसको हम देख ले फिर इससे हम इसको define करेंगे. X
f of omega comma t is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar sin r omega t plus epsilon r. So यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे कि एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन और एनी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द समेशन ऑफ द समेशन का टाइम सम है यहां पे एज द समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोग साइन का टर्म यूज करते हैं साइन आर ओमेगा टी प्लस थीटा या जो एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है तो साइन आर ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन आर यहां पे है. एप्सिलॉन आर एक स्मॉल वैल्यू है एनर्जी को डिफाइन करेगा यहां पे. सो सिंपल हार्मोनिक टर्म हैविंग फ्रीक्वेंसी विच आर इन द फ्रीक्वेंसी जो है वो किसका है द मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फंक्शन का. गिवन फंक्शन का मल्टीपल आर जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा आर इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू वन पे अलग वैल्यू आर इज इक्वल टू टू पे अलग वैल्यू इस तरह से ये सीरीज आएगा और ए आर एक मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है. So, it's a summation. That's, so, this is the definition or the statement of Fourier's theorem. That means the periodic function can be expressed in the summation of simple harmonic terms having frequency which are in the multiple of frequency of the given function. Now, this summation ko kaise hum log expand karenge? So, let at r is equal to 0, the value of sin theta is constant. So, a naught is equal to the value of r is equal to value of the function at r is equal to 0. So, जब r is equal to 0 हम लोग यहाँ पे ले लिए, so next summation हमारा कहाँ से start होगा? R is equal to 1 to infinity ar sin r omega t plus epsilon r. So, यहाँ पे हम लिख लेंगे, where a naught is equal to value of function x at R is equal to 0. R is equal to 0 पे इसका वैल्यू है हमारा a नॉट. अब ये हमारा साइन r ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन r यहां पे लिखा हुआ. सो दिस इज साइन a प्लस b. तो साइन a प्लस b कैन बी एक्सपेंडेड. अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फूरियर कोफिशिएंट के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे. सो x इज इक्वल टू f ऑफ ओमेगा कॉमा t a नॉट प्लस समेशन r is equal to 1 to infinity ar sin a plus b is equal to sin a cos b cos a sin b. So, ये हो जाएगा sin r omega t cos epsilon r plus ar cos r omega t sin epsilon r. ये ब्रैकेट में रहा. अब इस समेशन दोनों में हम लोग पुट कर देंगे. So, a naught समेशन r is equal to 1 to infinity ar sin r omega t cos epsilon r plus summation r is equal to 1 to infinity ar cos r omega t sin epsilon r. यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक टर्म्स कौन सा है sin r omega t और cos omega t. इसको हम लोग अनचेंज करते हैं. कॉन्स्टेंट टर्म्स यहाँ पे कौन सा है एआर एप्सिलॉन आर काफी स्मॉल वैल्यू है. सो एआर और कॉस इसको हम लोग एक कॉन्स्टेंट का रूप लेंगे एंड देन एआर एंड साइन एप्सिलॉन आर इसको एक कॉन्स्टेंट लेंगे. सो दिस समेशन विल बी इक्वल टू पहले वाले के लिए हम लोग फूरियर कोएफिशिएंट लेंगे एआर और दूसरे वाले के लिए फूरियर कोएफिशिएंट लेंगे हम लोग पीआर. So, AR and BR को चेंज करने के बाद हमारा अलग अलग वैल्यू यहां पे हो जाएगा. सो नेक्स्ट ए नॉट इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी AR साइन R ओमेगा T प्लस समेशन R इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी BR cos R ओमेगा T. दिस इज द वैल्यू ऑफ X. तो शुरुआत में हम लोग x को लिए थे एक पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शंस के बाद फिर इसको हम लोग यहां तक एक्सपेंड किए थे. अब ये तीन टर्म में एक्सपेंड हो गया a नॉट ए आर और बी आर के फॉर्म में ये एक्सपेंड हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर इज इक्वल टू कैपिटल ए आर कॉस एप्सिलॉन आर एंड बी आर इज इक्वल टू ए आर साइन एप्सिलॉन आर और ए नॉट हम लोग जानते हैं. सो दीज ए नॉट ए आर बी आर कॉल्ड फूरियर
coefficients and the equation given by equation number 1, this equation 1 is called Fourier series. So Fourier's theorem से हम start करें कि any periodic function x can be expanded in the form of the summation of the simple harmonic terms. Simple harmonic terms मतलब sine भी एक simple harmonic terms में है, cos भी simple harmonic terms में, इसको हम लोग expand कर सकते हैं किसी भी Fourier, किसी भी periodic function को. तो periodic function से हम लोग start किया और Fourier's में हम लोग आए और Fourier's में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये इसको हम लोग expand कर सकते हैं. Next class में और video में हम लोग इस ये जो तीनों क्वांटिटी है अननोन क्वांटिटी ए नॉट ए आर और डी आर इसको फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद देखेंगे कि फाइनल हमारा जो फॉर्मेशन या फूरियर सीरीज का जो ये फॉर्मेशन है वो कैसा दिखता है और फिर उस पर कुछ एप्लीकेशन हम लोग करेंगे.